गिनती 21 10 से 18। अगर हम शुरू से गिनती की किताब को पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इज़राइल अपने मिस्र देश जहाँ पे वो बंधुआई में थे वहाँ से वो वायदे की देश की ओर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे पूरा उनके यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। इससे पहले गिनती 21 में शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि वो एक युद्ध स्थल में थे और इज़राइल युद्ध स्थल को छोड़कर वायदे की देश की ओर बढ़ रहे हैं। और 21 के 13 और 14 में हम यूँ पढ़ते हैं कि वो मरुभूमि के थ्रू जंगल के द्वारा चल रहे थे, मुश्किल स्थानों से गुजर रहे थे जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और गहरे गहरे घाटियाँ थे। हमारे जीवन भी एक ऐसे ही यात्रा है जहाँ पे ऊंचाई नीचाई दुख तकलीफ खुशियाँ अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से भरा हुआ है। ऐसे मुश्किल घड़ियों में मुश्किल यात्राओं में हम आगे कैसे बढ़ते हैं, ऐसे समय में प्रभु का जो शक्ति हमें अंदर से बलवन करता है। यशाया 40 का 28 से 31 आप पढ़ेंगे तो उसमें यूँ लिखा हुआ है कि यहोवा कभी थकता नहीं है और वो यहोवा जो कभी थकता नहीं है वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और वो जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के इंतज़ार में या परमेश्वर के ऊपर आश्रय करते हुए आगे चलते हैं, वो नया बल प्राप्त करेगा, वो करता रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तो जंगल में चलते चलते इज़राइल के जो लोग हैं वो बैर नामक एक स्थल में पहुँचते हैं। हाँ, इन लोग जंगल में हैं, मरुभूमि में हैं, भूखे होंगे प्यासे होंगे और परमेश्वर जान रहा था कि ये लोग प्यासे हैं। और वह इसी जगह पे बैर नामक जगह पे एक कुआं का व्यवस्था करता है और परमेश्वर कहता है लोगों को इकट्ठा करो, मैं यहाँ पे इनके लिए पानी का प्रबंध करूँगा। प्रभु हमारे मांगने से पहले हमारी हर ज़रूरतों को जानता है और उसका प्रबंध भी वो करता है। मत्ती 6 आप पढ़ोगे तो उस पर परमेश्वर बार बार यूँ ये कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करो। और 6:8 में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमें क्या ज़रूरत है। इसीलिए 6:33 में प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म की खोज करो, बाकी जो जो तुमको ज़रूरत है वो तुमको मिल जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हम भी अधिकतर समय अपने जीवनों में इज़राइल जैसे ही हैं। इज़राइल किस लिए चिंता करता था, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हम भी अधिकतर समय इन दो चीज़ों के लिए चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता करना वो परमेश्वर के विरोध में पाप करना है। उसका मतलब हम परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर की कही हुई जो आज्ञा है मत्ती 6 में तुम किसी भी बात की चिंता नहीं करो, हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस पोर्शन में गिनती जो 21 है उसमें पहली बार हम क्या देखते हैं, गिनती 21 का 17-18 में क्या देखते हैं कि इज़राइल के जन गीत गा रहे हैं। हम पहली बार इस समय इज़राइल को गीत गाते हुए देखते हैं। इतने 40 साल के उनके यात्रा में पहली बार उनको गीत गाते हुए देख रहे हैं। और उन लोग क्या गीत गा रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत उपाय को देखते हुए, पानी को देखने से पहले उन लोग उसको मना रहे हैं ना, उन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 17 में क्या गा रहे हैं, हे कुएं उमड़ आ, है ना, पानी अभी आने नहीं लगा है, परमेश्वर ने सिर्फ वायदा किया है कि तुम इकट्ठा करो, इस कुएं से पानी मैं तुमको दूंगा, है ना। और ये गीत गाते हुए इज़राइल की जनता सोटे और लाठी से खोदते हैं और जैसे ही वो खोदते हैं पानी उभर कर आता है। नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यह हमारे ऊपर है हम क्या वहाँ पे बोलेंगे। अपनी परिस्थितियों में हम बड़बड़ा सकते हैं, कुड़कुड़ा सकते हैं, नेगेटिव या नकारात्मक बोल सकते हैं, और अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वहाँ पे हम मृत्यु का एक वातावरण उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर विश्वास के साथ, हाँ विश्वास जो परमेश्वर का वायदा कर कहता है, उस विश्वास उस वायदे को विश्वास करते हुए परमेश्वर का बोला हुआ वचन हम बोलते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, जीवन
देने वाली, जीवन प्रदान करने वाले वचन अगर हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, वहाँ पे हम जीवन देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर पहला तेसलोनियों 5:16-19 में क्या लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना, एक आनंद का एटीट्यूड हमारा, और निरंतर कोई भी परेशानी होती है, हमें कुछ भी दुख पहुंचाता है, कोई भी कष्ट आता है, प्रभु क्या कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हम काम स्थल में होंगे, अलग अलग कार्य में बिजी होंगे, लेकिन करते समय भी हम परमेश्वर के साथ 24 घंटा वार्तालाप कर सकते हैं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, है ना। जैसे रोमियो 8:28 कहता है कि वे लोग जिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई उत्पन्न करता है। अगर आप ये विश्वास करोगे तो ऐसी परिस्थितियाँ जो हमको हमारे विरोध में हमको लगता है, है ना, हम जानते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, नहीं, परमेश्वर इन परिस्थितियों को भी बदल कर हमारे लिए कर सकता है, है ना। तो इसीलिए ये विश्वास करते हुए आप निरंतर प्रार्थना करो, आनंदित रहो और हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। हम आत्मा कैसे बुझ जाता है, जब हम नेगेटिव बोलते हैं, जब हम नकारात्मक, है ना, विश्वास भरा हुआ वचन नहीं लेकिन बिन विश्वास के, शंका के वचन जब हम बोलते हैं, हम पवित्र आत्मा को वहाँ पे बुझा देते हैं, है ना। तो आइए हम प्रभु की मदद से हम निरंतर यही प्रयास करें कि प्रभु जो हम प्रभु के ऊपर हम विश्वास करें और प्रभु जो हमारे जीवन में कर रहा है उसको सेलिब्रेट करें, उसको मनाएं, और परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करना सीखें और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें कि प्रभु हमको बलवंत करेगा एक एक परिस्थितियों को फेस करने का, एक एक परिस्थितियों को ओवरकम करने का, उसको पार करने का, उस पर जयवंत होने का शक्ति और बल प्रभु ही देता है। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम जयवंत से बढ़कर प्रभु एक जीवन हम बिता सकें। इस प्रार्थना को मसीह यीशु में मांगते हैं, आमीन।